और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गए। आज मैं रिव्यू भी देने जा रहा हूँ, वो है बोट रोगर स्पोर्ट का, जो है वो नेक बैंड है जो आपको दिख रहा होगा, बोट रोगर 255F, जो इसके बारे में पूरी डिटेलिंग बताने जा रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने पर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा, तब मैं वीडियो अपलोड करूँ जब आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे वीडियो के। चलिए फुल्ली रिव्यू करते हैं। रिव्यू की तरफ आ गए तो पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग तो पैकेजिंग में देखिए आपको ऊपर से दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन दिख रहा होगा, 4.1 और मैग्नेटिक लॉक दिख रहा है, ऑडियो टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा आपको, और साथ साथ IPX5 स्वीट एंड वाटर रेजिस्टेंस बता रहा है, और HD साउंड भी थे सुपर एक्स्ट्रा बेस और नीचे दिया हुआ, और कनेक्ट टू डिवाइसेस सिमिलरली, और CBC नॉइस कैंसिलेशन, और 10 mm ड्राइवर साइड डायनेमिक ड्राइवर्स, और म्यूजिक प्लेबैक अप टू 6 आवर दिया हुआ है, और 10 मिनट में चार्ज करेंगे तो आप 45 मिनट तक प्ले कर सकेंगे। तो यही है बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ, ये है देखिए प्रोडक्ट का, और बोट रोगर 255F लिखा हुआ, वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस, साइड में आपको फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर का मिल जाएगा जो बोट का है, ये साइड में बोट का ब्रांडिंग दी हुई है आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको ऊपर में देखिए एक तार टांगने का ऑप्शन दिया हुआ, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। फर्स्टली आई ओपन इट, तो ओपन करते हैं, दिस इज द, देखिए आपको ओपन करते ही आपको दिख गया होगा, इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, चलिए इसको निकालते हैं। देखिए आपको ऊपर में देखिए निकाल लिए हैं, इसकी पूरी एकदम देख लेते हैं, बिल्ड एंड डिज़ाइन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुड़ने पे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी दी हुई है। तो इसमें यही है पैकेजिंग के रूप में कि आपको इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, देखने को अंदर मिलता है जो अभी नहीं है, तो इसके बारे में सिर्फ रिव्यू देना हो तो यही है अंदर में निकलता है जो, इस सबको रखते हैं साइड में। चलिए इसके बारे में पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते थे, पोर्ट्स एंड बटन्स आपको यहाँ पर प्लस वॉल्यूम दिख रहा होगा, आपको आपके पास आ रही होगी प्लस वॉल्यूम, और ये पावर बटन, और ये माइनस से वॉल्यूम माइनस, और यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग दी हुई है, दोनों साइड आपको दिख रहा होगा बोट की ब्रांडिंग, और ये रबर है देखिए आपको जितना मोड़ने पर कुछ चिंता नहीं हो रहा क्योंकि ये रबर का दिया हुआ है, साथ ही साथ डायनेमिक ड्राइवर्स दिया हुआ है, तो देखिए इसमें काफ़ी है, इसका ड्राइवर भी बहुत अच्छी है, तो ड्राइवर साथ 10 mm दिखा हुआ भी कर्व है, देखिए आपको कर्व है आपको दिख ही रहा होगा, साथ ही साथ ऊपर ये आपको दिया हुआ है करने का हैंड बिट, इसका अच्छा लगा मैं पोर्ट्स एंड बटन्स। तो फ्रेंड्स इसकी ड्राइवर साइज के बारे में बात करते हैं, तो आपको ड्राइवर साइज इसमें आपको 10 mm मिल जाता है, जो डायनेमिक ड्राइवर से जो काफ़ी अच्छी है, तो ड्राइवर साइज आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो 10 mm डायनेमिक ड्राइवर है, तो इसके ड्राइविंग ड्राइवर्स अच्छी है, और देखिए ये मैग्नेटिक आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द मैग्नेटिक, काफ़ी अच्छी लुक लग रही है और इसमें काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स यही है ड्राइवर साइज के बारे में। फ्रेंड्स चलिए इसकी साउंड एंड बेस क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम काफ़ी टाइम से एकदम साउंड क्वालिटी एंड चेक कर रहा हूँ, तो साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी, मैं काफ़ी टाइम से म्यूजिक सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी बेस है, और इसमें साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इसके बारे में साउंड एंड क्वालिटी के बारे में बहुत अच्छी कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अच्छी है साउंड एंड बेस क्वालिटी, ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो ये साउंड एंड बेस क्वालिटी में। तो फ्रेंड्स आ गए हम माइक टेस्ट के बारे में, तो माइक टेस्ट आपको इससे आवाज़ जा रही होगी, देखिए मैं कस के बोल रहा हूँ तो आपके पास कस के जा रही होगा, तो माइक टेस्ट में आपको देखिए यहाँ से आवाज़ जा रही होगा, आपके पास जो आवाज़ पहुँच रहा है जो इसी एयरफोन मतलब कि नेक बैंड का है, तो आपके पास जो आवाज़ पहुंच रहा है देखिए इसमें क्वालिटी इतनी है, ये आप पे डिपेंड करता हूँ, तो यही है माइक टेस्ट में आपके पास माइक टेस्ट की आवाज़ जा रही होगी। चलिए अब इसकी एयर फिटिंग एंड कंफर्टेबल के बारे में बात करते हैं, बोट रोगर 255F, तो इसकी एयर फिटिंग के बारे में बात करते हैं, देखिए आपको एयर में करके दिखाता हूँ, देखिए मैं एयर में भी कर लिया हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, कितना मतलब अच्छा से दम लगे अंदर, और नेक पे ये आपको रहता है, तो नेक पे रहता है कोई टेंशन नहीं, आपको पूरा हिलाव ला के दिखा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं आ रही मुझे, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, और साथ ही साथ इसका जो देखिए आपको इसमें साथ ही रबर का है ना जो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मुझे हिसाब से एयर फिटिंग के मामले में काफ़ी अच्छे लगे। इससे पहले हमारे याद आया मुझे मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगता है फटाफट वीडियो को लाइक करिए यार, कि वीडियोस लाइक करेंगे तो मेरे से आप मेरे को होगा करेंगे मोटिवेशन और मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, तो जल्दी लाइक करिए, और इसके बारे में कुछ एयर फिटिंग या तो कुछ भी
हमारे पूछने तो कमेंट्स में जल्दी रिप्लाई दीजिए। तो फ्रेंड्स यही है एयर फिटिंग के मामले में। लास्ट पॉइंट में आ गए आपको, लास्ट पॉइंट में जानते हैं कि मैं प्राइस के बारे में बात करता हूँ। तो प्राइस के बारे में आपको देखिए, आपको डिब्बा में मतलब कि एक तरह से बॉक्स में लिखा हुआ है, देखिए आपको 299 रुपीज़ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो काफ़ी ये नहीं है प्राइस, मुझे हिसाब से आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आपको मिल जाएगा, वो भी 1500 में मतलब 1500 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके प्लीज़ बाय करिए इस लिंक से। इस लिंक से बाय करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे। तो डेज भी आ रहा है तो जल्दी जाइए और नीचे लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर डालिए और चल जाइए फ्लिपकार्ट अमेजोन पर। तो जल्दी इस डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से लिंक को प्रेस करिए, आपको ये बाय करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जल्दी जाइए और बाय करिए। यही है प्राइस के मामले में। प्राइस आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में पक्का बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके बारे में पूरी रिव्यू दे रहा हूँ, पूरी डेप्थ रिव्यू आपको पास मिल गई जो मैंने इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को पक्का लाइक करिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।